एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह के द्वारा सोमवार को पिपराइज ब्लॉक के अगेया ग्राम पंचायत के प्राथमिक विद्यालय में चौपाल लगाया गया, जिसके संबंध में एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह ने बताया कि चौपाल में गांव में लो वोल्टेज व बिजली का बिल समय से न जमा करना, विद्युत पोल लगवाने, जर्जर विद्युत तार को बदलवाने से संबंधित मामले आए, जिसको देखते हुए विद्युत विभाग को समस्याओं का निस्तारण के लिए निर्देश दिया गया है। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कोटेदार राशन वितरण में घटतौली व समय से राशन नहीं देता है, जिसको देखते हुए जिनके पास ट्रैक्टर, ट्रॉली, चार पहिया वाहन, असलहा का लाइसेंस या एयर कंडीशन लगा हुआ है, ऐसे लोग अपना राशन कार्ड सरेंडर कर दें। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों द्वारा शौचालय की मांग भी की गई है, जिस पर बीडीओ को नोट कराया गया है कि पात्र व्यक्ति को शौचालय दिलवाया जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह ने कहा, जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर जिन गांव में जिलाधिकारी महोदय द्वारा और मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा पूर्व में चौपाल लगाई जा चुकी है, वहां पर जो कतिपय निर्देश आपके द्वारा दिए गए थे उनका अनुपालन हुआ, गांव में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, विकास कार्यों को परखने के लिए विभिन्न गाँवों में हम लोगों के द्वारा चौपाल लगाया जा रहा है, जिसमें आज अगेया ग्राम पंचायत जो कि पिपराइज विकास खंड में पड़ता है उसमें मेरे द्वारा चौपाल लगाया गया था और वहाँ पर सड़क का निर्माण का कार्य हो रहा है, उसकी जांच की गई। इसके अतिरिक्त गांव में अन्य जो विकास कार्य हो रहे हैं मनरेगा के थ्रू, जो गांव की सभी गलियों को पक्का करने का कार्य किया जा रहा है, नाली का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, उन सभी चीज़ों की जांच की गई, गांव वालों की शिकायतें भी सुनी गई। इसके अतिरिक्त जो हमारी विभिन्न योजनाएँ चल रही हैं विभिन्न विभागों की सरकारी, जिसमें लाभार्थी पर योजनाएँ हैं, पेंशन की हो गई या किसान सम्मान निधि हो गया, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत जो योजनाएं चल रही हैं, राष्ट्रीय आजीविका मिशन की योजनाएं चल रही, उन सब के बारे में विस्तार से और जानकारी भी दी गई लोगों को और काफ़ी सार्थक चौपाल रही और सकारात्मक रूप से सभी लोगों ने प्रतिभाग किया और हम उम्मीद करते हैं कि आज की चौपाल से लोग लाभान्वित होंगे और सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त करेंगे। ज़्यादातर किस मामले आए? सभी योजनाओं के मामले आए थे और ज़्यादातर पेंशन के संबंध में लोगों ने अपने बताया कि हम लोग पात्र हैं, पात्रता की श्रेणी में उनको फार्म भर के पेंशन प्रदान करने के लिए कहा गया, तो उनको कहा गया कि आप ऑनलाइन आवेदन होता है, ऑनलाइन आवेदन करिए और वहाँ के ग्राम विकास अधिकारी उसका सत्यापन करेंगे और पात्रता की जांच करके जो भी पात्र व्यक्ति होंगे उनका पेंशन स्वीकृत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त राशन कार्ड को लेकर भी कुछ लोगों ने शिकायतें की थी कि उनके राशन कार्ड में नाम नहीं है, उनके परिवार के किसी यूनिट को छूट गया है, तो उन सभी को बढ़वाया जाएगा। उसके लिए निर्धारित जिस निश्चित डेट निर्धारित की गई है उस दिन सप्लाई इंस्पेक्टर और पूर्ति विभाग के अन्य कर्मचारी जाकर बैठेंगे गाँव में और लोगों का राशन कार्ड में नाम जोड़ने का कार्य करेंगे।